साथियों नमस्कार। क्या कहा है पवन सिंगल एडवोकेट ने, पूरी जानकारी के साथ आप सुने। इन्होंने बताया है, मेरे घर के आगे खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी को अज्ञात चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया मगर असफल रहे, तो चोरों ने करीब 70 से 80 हज़ार रुपये का मेरे नुकसान कर दिया और इन्होंने मामला भी दर्ज करवाया है। क्या कहा है इन्होंने, फिर चोर इनकी गाड़ी नहीं ले पाए तो इंदिरा कॉलोनी से इन्होंने अज्ञात चोरों ने दूसरी स्कॉर्पियो गाड़ी चुरा कर लेकर गए। तो क्या कहते हैं पवन सिंगल वो सुने। सर क्या नाम है आपका, आपके रात को स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी का किसने प्रयास किया, कौन थे और आपको कैसे पता लगा? मैं रोज की तरह कोर्ट से गाड़ी मैंने घर के बाहर खड़ी कर दी थी और गाड़ी मेरी लॉक थी और आज सवेरे जब उठा तो गाड़ी क्या है कि जहाँ मैंने खड़ी करी थी उसके पीछे ट्रायंगल दिशा में मतलब मुड़ी हुई थी। तब मेरे को शक हुआ तो मैंने देखा तो मेरी गाड़ी का लॉक टूटा हुआ था और स्टीयरिंग लॉक टूटा हुआ था और वायरिंग के साथ छेड़छाड़ करी हुई थी और सारा अंदर भी काफ़ी मतलब क्या है डैमेज किया हुआ था। तो देखा तो ये ध्यान पड़ गया कि रात को अज्ञात चोरों ने गाड़ी चुराने का प्रयास किया है। तो तुरंत ही मैंने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली में दे दी और उसमें रोजनामचा रिपोर्ट लगाई है और रात्रि को ही मेरी गाड़ी चोरी करने के प्रयास में शायद नाकामयाब हुए। तब चोरों ने इंदिरा कॉलोनी में एक और गाड़ी स्कॉर्पियो को चुराने में सफलता प्राप्त कर ली है। अब ये घटनाएं बढ़ रही है, हालांकि अब पुलिस से भी हमने गुहार लगाई है कि भी चोरी की घटनाओं को रोके और कार्रवाई करे। कितनी बजे की आपको लगभग ये घटना लग रही है? आपको लगभग 2:30 या 3 बजे के लगभग की वारदात है और चोरों ने गाड़ी चुराने के प्रयास में तोड़फोड़ करी है और आपकी गाड़ी के कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है क्योंकि इसमें पूरा सेटअप, वो इग्निशन लॉक, फाटक लॉक और सेंसर और साइड वाला एक मिरर भी इन्होंने तोड़ दिया। तो लगभग 70 हज़ार रुपये का नुकसान मेरे को किया। कहाँ पर आपका मकान है? मेरा मकान लक्ष्मीपुरा में TT पब्लिक स्कूल की गली में है, गर्ल्स कॉलेज के पास में। दूसरी घटना फिर ये कहाँ उन्होंने की है? दूसरी घटना इन्होंने करी है इंदिरा कॉलोनी में। वो मनोहर दास करके कोई है, ब्राह्मण है, उनकी गाड़ी चुरा के लेके गए। तो सर ये क्या CCTV कैमरों की नज़र में आए कोई? CCTV कैमरे हमारे घर के बाहर तो नहीं लगे लेकिन साइड गली में जो लगे हैं वो पड़ताल चल रही है, पुलिस को भी बोला है, जांच पड़ताल कर रहे हैं और भरोसा है राजस्थान पुलिस पर जो चोरों को पकड़ेंगे और कार्रवाई करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? पवन सिंगल नाम है, एडवोकेट हूँ मैं। ठीक है।